वेलकम फ्रेंड्स वेदांत क्लासेस को आपको बहुत बहुत स्वागत जदि आपने प्रथम थर पर चैनल को देखु था सब्सक्राइब करने को जमा भूलिए आउ सब्सक्रिप्शन बटन पाखे थी जो बेल आइकन टी देखुं भी प्रेस कर दिंतु जो कि आम वीडियो आपखे नोटिफिकेशन आसीज फ्रेंड्स आज का क्लास में देखा जो का हवाक जाऊ एग्जाम ओडिशा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस जो मैंने भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर करूँ बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आई जो पेपर टू रे जो मैथ्स रो पार्टा रोचे से मिनिमम दसटा क्वेश्चन आसो आठ रू दसटा क्वेश्चन आसो तो से प्रिपेरेशन टा केमी रो कौ टाइप रोटे मो जस्ट गोटे फॉर्मेट नहीं आसी कौ टाइप माइंड सेट भी रखी जी एग्जामिनेशन को मुझा भी यही वीडियो रे डिस्कस करी तो सब्सक्राइब करने को चैनल टा भूल सब्सक्राइब निहाती करूँ ये बहुत एक्साइटिंग वीडियो जगह आसवाक जाऊँगी बहुत गुड़ा कोर्सेस भी नुआ स्टार्ट होगा जाऊँगी तो फ्रेंड देखो फास्ट क्वेश्चन टी कौन रही जो क्वेश्चन टे आप मानने कम से कम माइंड को सेट कर टाइप क्वेश्चन आसो आमती आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन देखते टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रो क्वेश्चन आसी कौ लेवल क्वेश्चन भी देखते ए स्टूडेंट रीचेस हिज स्कूल फाइव मिनिट्स लेट इफ हि स्पीड इज स्पीड फ्रम हिज हाउस टू द स्कूल इज फाइव किलोमीटर पर आवर मैंने पांच मिनिट लेट्रे पहुंचुची जदि पांच किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाऊँगी से छः किलोमीटर पर आवर जा पांच मिनिट जल्दी पहुंची जाऊँगी समयटा को लाइन में देखेबी जदि यार घर समय स्टार्ट है तेल समय तार ये पहुंचार यहाँ हूँ पहुंचार समय मनकर यहाँ हूँ पहुंचार समय से पांच मिनिट आगू पलाऊँच फाइव मिनिट्स आगू पलाऊँच यू फास्ट केस्रे सेकेंड केस्रे मुझ समयटा को लाइन में देखी तो सेकेंड केस्रे सी ता आगु पहुंची जा आगर से पांच मिनिट पूर्व पहुंची जाटा हूँ तार ये हूँ ये जगह से पहुंची जाए मुझे कह प्रथम जो केस्रे द्वितीय केस्रे पांच मिनिट पूर्व ये पहुंचीगला भितर डिफरेन्स जब मुझे देखी तेल दस मिनिट्र डिफरेन्स आसूँ ये बेसिक जिनस कौन फंडामेंटल मानने जाणीवा दरकार ये क्वेश्चन टाक सल्व करा किसी सर्टकट किसी भी ट्रिक्स ये जानवा आवश्यक किसी ना किसीटा गली गोटे फंडामेंटल आपड़ी जानी था फंडामेंटाली कि गोटे क्लारिटी थाए आपर बेसिक क्लारिटी थाए तेल आप सब क्वेश्चन करके आसबे मोर आजिकार वीडियो बनवा मेन हूँ मुख्य मानने थिंकिंग हूँ यहीटा जो आपण बिना टेंशन रे केमी मानने एग्जामिनेशन जी कार मैथ विक् अच्छे बहुत पिलांर मतलब कही से विक्नेस अच्छे मैथ्रे सो डोंट वरी अबाउट द मैथ्स पार्टा कौन सी आपको विक्पारे केमी देखते कौन बेसिक जिनस जानवा दरकार तो ये देखो डिस्टेंसटा सामान घर ठू आउ स्कूल हूँ डिस्टेंसटा सामान डिस्टेंसटा सब सामान तो प्रथम थर भी जी डिस्टेंस जीव द्वितीय थर भी से डिस्टेंस से जीव तापर डिस्टेंस सामान है तो कैस आसूची प्रथम थर तार स्पीड के प्रथम थर तार स्पीड जा फाइव किलोमीटर पर आवर द्वितीय थर स्पीड जा सिक्स किलोमीटर पर आवर ये तार टाइम डिफरेन्स आसूची तो स्पीड ये फंडामेंटल कौन जानवा दरकार फंडामेंटल जानवा दरकार जो स्पीड स्पीड हूँ गोटे एमती फिजिकल क्वांटिटी कि मैथमेटिकल क्वांटिटी जोटा कि डिस्टेंस आउ टाइम को लेकिन कढ़ा जाए डिस्टेंस बाय टाइम कहुए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो ये पर्टिकुलरली आमको स्पीड जना अच्छी डिस्टेंस भी फिक्स कांस्टेंट बोली जानते दुईटा केस्रे टाइम टा आमर एपट सेपट हो प्रथम केस्रे किसी टाइम रोचे द्वितीय केस्रे किसी टाइम रोचे तो ये आम जाना यो पर्टिकुलर इक्वेशन रु पर्टिकुलर यो जिनस रिलेसन रु आम टाइम के टाइम टाक स्पीड जगह को स्पीड टाक टाइम जगह को नहीं आसतुंतर हो डिस्टेंस बायस यू ही क्वेश्चन टाइम सल्व हो देखो जदि कौन सर्टकट जाणी ना क्वेश्चन टा केमी भाव में सल्व करेंगे देखो टोटल डिस्टेंस अच्छे डी प्रथम केस्रे से टाइम के प्रथम केस्रे टाइम नहीं थे डी बाय जोटा कि एस स्पीड डिस्टेंस तो अमर सेम आउ स्पीड अमर केते फाइव एटा हूँ अमर केते आवर नहीं थी कहीं डिस्टेंस अमर किलोमीटर रे अच्छी आउ डिस्टेंस आम किलोमीटर रे नहीं डी किलोमीटर एंड फाइव हूँ किलोमीटर पर आवर तो आवर रे अमर आसला डी बाय फाइव आवर लगे तापर देखिए टाइम टू टी टू मैंने सेकेंड केस्रे से सही डिस्टेंस डी कवर कर केते समय छः किलोमीटर पर आवर रे जीव से ताले छः डी बाय सिक्स आवर ताकु नब ताले डी ता डिस्टेंस जदि आम डिफरेन्स जदि देखिबा टाइम प्रथम टाइम आउ द्वितीय टाइम भितर जोटा कि आम टी वन माइनस टी टू कहीं प्रथम थर ताकु अधिक टाइम लगी द्वितीय थर ताकु कम टाइम लगी हम निहाती केते फाइव प्लस फाइव टेन मिनिट्स टोटाल आसो डिफरेन्स टेन मिनिट आसूची एटा हूँ आवर आसी तो सही ध्यान से देखिए मुझे कौन करुच्ची ताले डी बाय फाइव माइनस डी बाय सिक्स इज इक्वल टू टेन बै सिक्सटी जदि करदे आवर होटा भी आवर एटा भी आवर एटा भी आवर तब देखते नेक्स्ट कौन करवा नेक्स्ट हूँ आम फाइव इंटू सिक्स एलसीएम ने यार लस आगू ने सिक्स डी माइनस फाइव डी इज इक्वल टू आमर एटा वन बै सिक्स जीरो जीरो कटिगला वन बै सिक्स होगा सिक्स सिक्स कटिगला छ डी माइनस फाइव डी के वन डी दैट इज डिस्टेंस बै फाइव इज इक्वल टू वन जोटा कि आम ये काढ़ीदा डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइव
किलोमीटर तले डिस्टेंस आमर एटी पाई गले 5 किलोमीटर तो एटी ए टाइप रे ही क्वेश्चन आसीबो बेसी किछि हाई लेवल रे एक्सपेक्ट करंतुनी माने माइंड रे फ्री रखंतु माइंड टाकु जे ए टाइप रे क्वेश्चन आसीबो जस्ट बेसिक टाकु आपण क्लैरिफाई करंतु जते भी कांसेप्ट रहउछि जते भी डिफरेंट टॉपिक्स रहउछि खाली बेसिक टाकु माइंड रे रखी कि जानतु यू कैन एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस नेक्स्ट देखिबा आसंतु गोटे क्वेश्चन अछि इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू 5 जदि गोटे अरिथमेटिक मीन दे दैछि मीन जोटे कि एवरेज आकु कहा जाय हम एटा जानि छथि मीन एंड एवरेज ता समान बोली तने मीन दे दैछि माने तीनटा नंबर जदि तीनटा डिफरेंट नंबर दे दैछि ताले तीनटा डिफरेंट नंबर माने तीनटा नंबर को मिसै दे कि जदि 3 हरि दबा ताले तादर तादर मीन होछु दरकार कोन 5 आसीथवा दरकार ताले एटी देखंतु तीनटा नंबर को मिसै दे कि एटी भी जदि हम मिसै दे कि 3 हर दउछन एटी भी 5 होछि एटी मिसै दे कि 3 हर दउछन एटी भी हमर मीन 5 होछि एक रे भी हमर तीनटा समान माने मीन 5 होछि एक केस रे भी देखंतु मीन भी 5 तले चारिटा जक केस रे मीन 5 होछि बट ता पर स्टेप को असंतु एटी स्टैंडर्ड डेविएशन होतबा कथा 0 को केस रे मीन 5 आ स्टैंडर्ड डेविएशन 0 तो एटी आपन को कोन फंडामेंटल जिंस जानिथिबा दरकार फंडामेंटल जिनस विषय में एटी आपन को स्टैंडर्ड डेविएशन रो नॉलेज थीबा दरकार स्टैंडर्ड डेविएशन टा कोन स्टैंडर्ड डेविएशन रो कोन होची स्क्वायर रूट ऑफ एटी किछि फार्मूला आछि आपन मने रखि देले आपन बिना टेंशन रे एग्जाम हॉल को जिबे स्टैंडर्ड डेविएशन होची मु जदि कहिबी एक्स माइनस एक्स आई एटा होची डिफरेंस टा एटा एक्स आई माइनस एक्स आई पारे बडो छोटो को नैकि हबो तार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 टोटल नंबर केते होची माइनस 1 एतिकि होची हमरो आंसर कार स्टैंडर्ड डेविएशन एटा होची समेशन ऑफ अछि एटा होची समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स आई समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स आई माने एक्स माइनस आई केतरा नंबर आछिबो लेट्स एटी देखंतु केमिति मु करूची तो एठी हमर एक्स आई एक्स जोटा के हमर मीन निया जाय एक्स टा होची कोन मीन आउ एक्स आई टा कोन एक्स आई टा हबो एक्स 1 एक्स 2 एंड एक्स 3 ए टाइप रे बडी बडी जीवो तो एट केस रे तीनटा ही केस एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 तले ए केस रे मते फर्स्ट केस रे देखंतु 4 या 5 केते बेले हबो हमर एसडी टा 0 फर्स्ट डिफरेंस निया जाउ छी ना एटा देखंतु यार ऊपर टा डिफरेंस तले मु कहिबी एक्स माइनस एक्स आई प्लस एक्स माइनस एरा एक्स 1 मुने लेली एक्स माइनस एक्स 2 प्लस एक्स माइनस एक्स 3 आ सबुथिर स्क्वायर बाय एटा 3 माइनस 1 2 र रूट ओवर केते हो दरकार 0 हो दरकार 0 टा केते बळ हो जते बळ एटा भी 0 हो एटा भी 0 हो एटा भी 0 हो केते बळ 0 हो जते बळ एटा आउ एटा समान हो जते बळ एटा आउ एटा समान हो जते बळ एटा समान हो गोटी केस जे देखंतु 3 टा 5 इज इक्वल टू इक्वल तो एटा ही केवल हमर आंसर हो आउ ए केस रे एटा आंसर हबो बोली आपण जदि आपणकर नॉलेज अछि खाली जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आपण आंसर टा करि परिबे तो खाली जिंसटा होची जे फंडामेंटली आपण को स्ट्रांग हबा को पडिबो फंडामेंटली बेसिक स्ट्रांग माने जस्ट खाली आपण को ओवरली आपण को जानिथिबा को पडिबो जे ई प्रॉफिट लॉस या ऊपर एमति जानिबे तो ए जिंस ऑफ जस्ट बेसिक जिंस ऑफ फर्स्ट 2 टू 3 पेजेस सब मैथमेटिक्स चैप्टर रो फर्स्ट 2 टू 3 पेजेस देखि देबे किछि हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करि जिबा को आवश्यक नै आ जो भी आज टाइम अछि सेटा देखि कि जानतु यू विल एबल टू all the questions in maths then asantu dekhiba next gude asichi je amaro gude example problem mu deichi data interpretation ru de ko level la data interpretation asuchi dekhantu data interpretation kon ko level le question asuchi seta bi dekhiba nihati joruri ए जो पर्टिकुलर क्वेश्चन टी ए पर्टिकुलर क्वेश्चन टी रे देछि देखंतु ए जो गोटे ग्राफ दे देछि ए जो गोटे लाइन ग्राफ एटा गोटे पर्टिकुलरली लाइन ग्राफ देछि आ ए लाइन ग्राफ रे आपण गेटी पाइबे जेटा होची जो देछि जो पर्टिकुलर वैल्यू गुडा देछि ना ए वैल्यू गुडा सब देते जे इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रो रेशियो एट देछि रिय रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट माने इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट माने 1900 जदि 95 कोई भी इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट इज हला 0.65 होची 1995 रे 1996 रे इंपोर्ट बाय रेशियो इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो होची 0.85 सिमिलरली एंड सो ऑन ए टाइप रे एटा चली छी आउ डिफरेंट इयर्स रे एटा दे दे छी तो देखबा सुन फर्स्ट क्वेश्चन टा कोन दे छी इफ इंपोर्ट इन 1998 वाज 250 तो 250 होची 1998 रे इंपोर्ट अछि तो हमरो ताधेरे एडा होची 1998 रे इंपोर्ट दे दे छी भले से मन रखंतु त टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द ईयर दे दे छी 1998 आउ 1999 टुगेदर एते अछि तले देन द इंपोर्ट टा केते इंपोर्ट इन द 1999 एक्चुअली केते तो एडी क्वेश्चन टाइटल इंपोर्ट नु है ए क्वेश्चन टा एक्चुअली एक्सपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन इट इज पर्टिकुलरली इंपोर्ट दे छी सेट एक्चुअली भूल अछि मोटे एक्चुअली ताको ठीक करबा को भूली जाय छी एटा एक्सपोर्ट हबो
एक्सपोर्ट एवं देखो ये क्वेश्चन टा इंपोर्ट इन द 1998 वाज 250 1998 का देखिली 1998 तारा मुझे देखी इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो देखो कौन अच्छी इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो 1.25 भलसे देखीदे मुझे लिखीदी 1.25 हूँ इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो तो इम्प्लाइज दैट दबा इंपोर्ट के देखो इंपोर्ट फॉर द 1998 250 इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट आम जाणी ना से वर्षर के 1998 रट ये से जो पर्टिकुलर इक्वेशन आप देखते एक्सपोर्ट बाहरी पार कि नहीं एक्सपोर्ट आराम से बाहरी पार तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 250 by 1.25 जोटा कि आम बाहर 250 into 100 by 125 एक्सपोर्ट हूँ 200 crores आउ इम्पोर्ट दे 250 crore इम्पोर्ट देखा आम रेसीो यूज कले लाइन ग्राफ रईन ग्राफ यूज करके आम देखे 200 crore है एक्सपोर्ट ताले देखो पर फेज क्वेश्चन में कौन देखिए 1998 आउ 1999 दुई वर्ष मिसिकी एक्सपोर्ट देती 500 crore तले एक्सपोर्ट जदि 500 crore 1998 रे जानले 200 crore जदि एक्सपोर्ट हुए 1999 रे एक्सपोर्ट केते हबो 300 crore हबो 1999 रे एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट 300 crore कचारिची कोन देन द एक्सपोर्ट ऑफ 1999 वाज एक्सपोर्ट दे दैची द एक्सपोर्ट क्वेश्चन हबो आंसर हबो 300 crore जदि इंपोर्ट पचारि थांता तले तले एठी एक्चुअली हमर ऑप्शन टा देई नाही इंपोर्ट हिसाब रे तो सेति पर एक्सपोर्ट एक्जेक्टली हबो तो एक्सपोर्ट हबो हमर 300 करोड़ जदि इंपोर्ट आस्थांता तले आपण भी ठीक से भली 1999 रे आपण को जणा पड़ी थांता एक्सपोर्ट तो जानि नेले आउ सही इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो रु तार आंसर टा मु काढू छी देखंतु जदि क्वेश्चन आसी थांता 1999 रो इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो केतो छी देखंतु 1999 तो 1999 को आसंतु इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो रे थिबा 1.4 आसला 1.4 जदि इंपोर्ट पचारि थांता ताले आमे इंपोर्ट इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट जगह आमे केते लिखि थांते 200 is equal to 1.4 ताले इंप्लाइज दैट इट इंपोर्ट डायरेक्टली 1999 रे केते भारिबो 1.4 into 200 जोटा कि 280 crore धानता जेटी ऑप्शन रे नाही एठी ऑप्शन रे हमरो इंपोर्ट ही एग्जैक्टली क्वेश्चन टा हो एक्सपोर्ट रो जदी इंपोर्ट पचारि थांता ताले हमको आ गोटे स्टेप अधिका करबा को पड़ि थांता सो एही लेवल रे क्वेश्चन आसुची एमिति किछि नाही जे अपन एही ते क्वेश्चन नु जानि परथिबे एटा किछि सेमिति किछि मुश्किल क्वेश्चन नथिला एटा आराम से अपन करि परिबे नेक्स्ट आसंत देखबा सेही पर्टिकुलर हमरो जो लाइन ग्राफ थिला सेटा रे क्वेश्चन कोन अछि दैट इंपोर्ट्स वेयर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोनेंट माने एक्सपोर्ट माने हमर जो भी देछि हमें पर्टिकुलरली जो डिफरेंट 1995 रु नेकी जो डिफरेंट अप टू 2000 समथिंग पर्यंत हमर ईयर देछि तो एठी हम क्वेश्चन सब दे देछि तो कोन देखंतु एठी भलसे सब देखंतु जे एठी सब इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो दे देछि इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो दे देछि इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट रेशियो रु हमें काढिबा कोटा मिनिमम को वर्षटा मिनिमम माने हमर इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट उटे कोनटा फ्रैक्शन एटा कोनटा उटे फ्रैक्शन गोटे फ्राक्शन रे मिनिमम केतबेळे हेथाय ए फ्राक्शनटा छोट सबुटु केतबेळे हेथिबो जदि फ्राक्शन छोट हबो जदि बडटा हबो तमर जदि इंपोर्ट जदि न्यूमरेटर बड हुए छोट हुए डिनोमिनेटेड टू माने मु जदि कहिबि 2/3 रे एटा छोट फ्राक्शन आर काठु 3/2 टू कैना एटा रहउछि न्यूमरेटर बड एटा रे न्यूमरेटर छोट एटा रे न्यूमरेटर छोट एटा न्यूमरेटर बड़ तो आप डिपेंड कर डिसाइड करेंगे केमी आते छोट हम जिते बड़े ये ऊपर पाखटा जब ऊपर जार बेस छोट अच्छी ताल तार जो आम पर्टिकुलरली से जो इयर रे आम इंपोर्टा कौन थी दरकार छोट थी दरकार टू मेक आवर रेशियो जोटा कि आम डिजायर्ड रेशियो अच्छी डिजायर्ड रेशियो से कौन पचार्षर क्वेश्चन टाउ थर देखु कौ वर्ष किन ह्विच ईयर पर्टिकुलरली आम जो इम्पोर्टा अच्छी से मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तुलन में इम्पोर्टा मिनिमम तो ये मिनिमम आपड़ी मिनिमम गुटा देखी जाता है ये जो गोटे इम्पोर्ट बाय एक्सपोर्ट पचरा जाए इम्पोर्ट बाय एक्सपोर्ट पचरा जाए इम्पोर्ट बाय एक्सपोर्ट एटा गोटे फ्राक्शन कह जाए गोटे फ्राक्शन फ्राक्शन जो ऊपर छोट हुए टोटाल जो फ्राक्शनाल वैल्यूटा ही कम हो जाए यहाँ हूँ बेसिक कनसेप्ट तो ये देखो
କାହାର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଛୋଟ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ, ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ସବୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଗୁଡ଼ା ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ସନର ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ନିହାତି ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ନିହାତି ତା ଇମ୍ପୋର୍ଟଟା ଛୋଟ ହେଇଥିବ କେଉଁଠୁ? ଏକ୍ସପୋର୍ଟଠୁ। ତାହେଲେ ଇଆର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1997 ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ତାହେଲେ ଇଆର ଭାଲ୍ୟୁ ଛୋଟ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ମଚ୍ ସ୍ମଲର ଦେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 1997 ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ 1997 ଟୁ 1998? 1997 ରୁ 1998 କିଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ 1997 ଟୁ। ବଟ୍ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 1997 ମନେକର ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ 1998 ମନେକର 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ନା ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାଢ଼ିପାରିବା। ବଟ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ରେସିଓ। ରେସିଓ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ, ରେସିଓ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ କ'ଣ କାଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏଠି କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି। ବଟ୍ ଏଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯେହେତୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇନାହିଁ, ରେସିଓରୁ ଆପଣ ଏଟା କାଢ଼ିପାରିବେନି। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଟା ଇନ୍ଆଡିକୁଏଟ୍, ଡାଟା ଇନ୍ଆଡିକୁଏଟ୍। ବହୁତ ମାନେ ଇଜି ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ଏଟା କିଛି ସେମିତି ହାଇଫାଇ ଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଥିଲା, ତା ଦେହରୁ 5 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ଆସିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ 1996 1996 ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। 1996 ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବାଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ରେସିଓଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବାଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରେସିଓ 1996 ଅଛି, 0.85 ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବାଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଦେଇଛି? ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ମାନେ କେତେ? 272 କ୍ରୋର ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେତେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟା ଏଇଟା ପଚାରିଛି ତାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା କେତେ, 0.85। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପଚାରିଛି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ପଚାରିଲେ 272 ବାଇ 0.85 ହେଇଯିବ, ତାର ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? 272 × 100/85। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ କାଟିକୁଟିକି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ନିହାତି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 17 କଟିଯିବ। 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17, ଆଉ 10 = 17 × 6 = 16। ତାହେଲେ 5 କଟିଲେ ଏଇଟା 20 ହେଇଯିବ, 320 ଆସିବ, ଏଟା 320। ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ପରୀକ୍ଷା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କ୍ଲିଅରଲି ହେଇଯିବ, ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା କଟେଇଦେବେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ 320। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବୁଲ୍ଟା 10th class ଲେବୁଲ୍ର ପୁରା ମାନେ ତାଠୁ ବରଂ କମ୍ ଆସିଯିବ। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିବେନି ଯେ, ଭୁଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ହେବନି, ମୁଁ 20 ମାର୍କର ମୋର ଆନ୍ସର କେମିତି ଦେବି, ବିଲକୁଲ ତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଗୁଡ୍ ମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ, 7 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଇୟର୍ସ ୱେର୍ ଦ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ। ମାନେ ଆମେ ଗଣିବା, ଦେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ, ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟା ଆମକୁ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ ନା ଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ରୁ, କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ମୋର୍ ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆମର ଦେଇଠି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଆନ୍ସର କାଢ଼ିଦେବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ସବୁ ରେସିଓ ଦେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବାଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବାଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆମର ଦେଇଛି କ'ଣ ଆନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ସବୁ ଯେଉଁ ରେସିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଇଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଇଦେଇଛି। ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଫ୍ରାକ୍ସନର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବାଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁମେରେଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିନୋମିନେଟର। ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବାଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମଲ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମଲ୍ ହେବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଫ୍ରାକ୍ସନଟା କ'ଣ ହେବ? ଫ୍ରାକ୍ସନଟାର ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁ ହେବ, ସେ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ହେବ, ସବୁବେଳେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା? ସେ କେସ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆସିବ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଆମର ରେସିଓଟା ଆସିବ, ଯେଉଁ ଏନ୍ସାର୍ଟା ଆସିବ, ସେଇଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 1 ହେବ। ବଟ୍ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ ୱେୟାର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ଏଇଟା ମୋର୍ ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ମୋର୍ ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଷ, ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ମାନେ ଆମର ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଉ କେତେଟା ବର୍ଷରେ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଏଇଠି ଖାଲି ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଡ଼ିବ।
ଏଇଠି ଗଣିଦେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ 0.65, ଏଇଟା ଦୁଇ, ଏଇଟା ତିନି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଚାରି, ତ ଚାରିଟା, ତ ଚାରିଟା ବର୍ଷରେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟଟା ମାନେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍, ଫୋର୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ଆସିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଭେରି ଇଜିଲି ତାକୁ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବାର୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଆସିପାରେ, ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ବି ଆସିପାରେ, ତ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ଯେକୌଣସି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ୟୁ ଆର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଇଟ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଆସିଛି, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଜଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଏ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ 8 ଡେଜ୍, ମାନେ ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 8 ଡେଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେମ୍ ୱାର୍କ ସେଟା ସେ 12 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ଏ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ୱାର୍କ। ସେ ଏ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନର୍ମାଲ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ୱାର୍କର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 8 ଦିନରେ ସାରିପାରିବ, ବି ଗୋଟେ କାମକୁ 12 ଦିନରେ ସାରିପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କାମଟାକୁ ମନେକର ନେବା କେତେଟା କାମ, ତାହେଲେ 8 ଆଉ 12ରୁ ଆମେ ନେବା LCM, ତାହେଲେ ସେତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନେବା, କାହିଁକି ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବା। କେମିତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆମେ ନେବା କାମଟାକୁ ହେଉଛି 2 ନେଲେ ଏଇଟା 4, ମୁଁ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା କେହି ବି ବା ଯଦି କାହାର ବି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ମନେକର 24, ୟାର LCM କେତେ ହେଲା 24, ତାହେଲେ ମନେକର 24ଟା କାମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ 24ଟା କାମ କରୁଛି 8 ଦିନରେ, ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେତେଟା କାମ କରିବ, 3ଟା କାମ କରିବ। ସେଭଳିଆ ବି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେଟା କାମ କରିବ, ଯଦି 24ଟା 12ଟା କାମ କରିବାକୁ 12 ଦିନରେ ଯଦି 24ଟା କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଡେରେ ସେ 2ଟା କାମ କରିବ, 2 ୱାର୍କ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ବି ମିଶିକି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମିଶିକି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କେତେଟା କାମ କରିବେ, 5ଟା କାମ କରିଦେବେ, 5ଟା କାମ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର 2 ଡେଜ୍, ମାନେ 2 ଦିନ ସେ ଏ ବି ମିଶିକି କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ସେ 5ଟା କାମ କରନ୍ତି, 2 ଦିନରେ ସେ କେତେଟା କାମ ସାରିଦେଇଥିବେ, 10ଟା କାମ ଅଲରେଡି ଓଭର ହେଇଯାଇଛି, 10ଟା କାମ ଅଲରେଡି ଓଭର ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ବଳିଛି କେତେଟା କାମ, ଟୋଟାଲ 24 କାମରୁ 10ଟା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ 14ଟା କାମ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା କରିବ କିଏ, ତାପରେ ଏ ପଳେଇଲା, ଏ ପଳେଇଲା କାମ କାର ବିର, ସେ କାମ ବି ଯୋଉ କରିବ 12 ଦିନରେ ସେ ବିର, ବିର ଦେଖନ୍ତୁ ବି ହରେ କରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 2ଟା କାମ, ବି ଗୋଟେ ଦିନରେ 2ଟା କାମ କରେ, ତାକୁ ଏବେ କରିବାର ଅଛି କେତେଟା କାମ, ତାକୁ କରିବାର ଅଛି ଏବେ 14ଟା କାମ, କାହିଁକିନା ବଳିଛି ଆଉ 14 ୱାର୍କସ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 2ଟା କରିବ, ତାହେଲେ 14ଟା କାମ କରିବାକୁ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, 7 ଡେଜ୍। ତ ଏଇଟା ମୌଖିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲି ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଥ୍ସ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗାରେଇକି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ କାଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାଲି, ତ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରି ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟରେ GS ଆଣ୍ଡ GK ପାର୍ଟରେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ ବେସିକାଲି ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇଠି ମାର୍କ ଆପଣ ସିକ୍ୟୋର କରିବେ, ଆଉ ଏ ପାର୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ରହିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାର୍ଟ ରହିଲା, ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ୍ସ ରହିଲା, ସେ ପାର୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ IAS ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାରି ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୋର୍ସେସ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ବେଦାନ୍ତ କ୍ଲାସେସ୍ ତରଫରୁ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।